السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب صوم التطوع وما نهي عن صومه باب ہے نفلی روزوں کے بیان میں اور جن نفلی روزوں سے منع کیا گیا ہے ان کے بارے میں, یعنی کون سے نفلی روزے رکھنے ہیں, ان کا کیا ثواب ہے, اور کون سے روزے نہیں رکھنے, ان سے منع کیا گیا ہے, ان کا بیان آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. عن ابی قتادۃ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم عرفہ. ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں, تو آپ نے فرمایا یکفر السنات الماضیات والباقیات, یہ ایک سال گزرے ہوئے اور ایک سال آئندہ کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. وسئل عن صوم یوم عاشوراء, اور آپ سے سوال کیا گیا یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں. عاشوراء 10 محرم. فقالا, تو آپ نے فرمایا یکفر السنات الماضیات, یہ ایک روزہ ایک گزرے ہوئے سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. وسئل عن صوم یوم الاثنین, اور آپ سے سوموار کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا. فقال ذالک یوم ولدت فیہ وبعثت فیہ وانزل علی فیہ, وہ ایسا دن ہے جس میں میں پیدا ہوا اور مجھے نبوت عطا کی گئی, مبعوث کیا گیا, اور قرآن کی پہلی وحی اسی دن میں نازل کی گئی. رواہ مسلم, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس روایت میں 3 روزوں کے بارے میں سوال ہے. ایک یوم عرفہ کا, اور دوسرا یوم عاشوراء کا, اور تیسرا یوم الاثنین کا. یوم عرفہ کا روزہ, اس کا ثواب 2 سال کے گناہ معاف, ایک گزشتہ اور ایک آئندہ, اور یوم عاشوراء کا 1 سال کے گناہ معاف, گزشتہ, اور یوم الاثنین کا ثواب نہیں بتایا گیا, سبب بتایا گیا ہے, اس کا ثواب نہیں بتایا گیا, اس کا ثواب آگے آئے گا. اب یوم عرفہ کا روزہ کس دن کو رکھنا ہے, عربی کے اعتبار سے, مکہ مدینہ کے اعتبار سے, یا اپنے علاقے کے اعتبار سے؟ کیونکہ یوم عرفہ کو یوم عرفہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس دن حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں جس دن حاجی عرفات کے میدان میں ہوں گے وہ ہوگا یوم عرفہ,
और उस दिन का रोज़ा रखा जाएगा। तो हमारे यहाँ योम अरफा जो है, हमारी यहाँ अमूमन, कभी कभी इसके खिलाफ भी हो जाता है, अमूमन 8 तारीख इधर होती है और 9 तारीख मक्के में होती है और हाजी योम अरफा यानी अरफात में होते हैं। तो उनके एतबार से जो योम अरफा है वो हमारे एतबार से 8 तारीख है, अमूमन ऐसे होता है क्योंकि वो एक दिन हमसे आगे। तो हम उनके एतबार से रोज़ा रखेंगे या अपने एतबार से रोज़ा रखेंगे, ये मसला भी तकरीबन हर साल ही पेश आता रहता है कि अब रोज़ा किस एतबार से रखना। अगर हम कहें अपने एतबार से रखना है तो कहते जनाब अब तो उनका योम अरफा गुजर चुका हुआ है, आज तो हाजी मैदान में है ही नहीं, तो हम फिर कैसे रखें। और अगर कहते हैं उनके एतबार से रखें तो फिर भी बड़े मसाइल पेश आते हैं। मसालन वो योम अरफा, वो अगर आज अभी हमारा 1:30 हुआ है तो उनका टाइम क्या हुआ अभी 11:30, तो जिस वक़्त हम रोज़ा रख रहे होंगे उस वक़्त तो उनका योम अरफा शुरू नहीं हुआ होगा ना, वो हमसे 2 घंटे पीछे हैं। तो हमने रोज़ा भी रख लिया होगा तो जो रोज़े का आगाज़ 1 घंटा हमारा गुजर गया वो योम अरफा में गुजरा, वो तो योम अरफा से पहले हमने रख लिया। और हमने जो छोड़ दिया रोज़ा इफ्तार करना है, हमारे यहाँ 5 बजे मिसाल के तौर पर इफ्तार हो रहा है, उनके वहाँ अभी 3 है, तो अभी योम अरफा पूरा ही नहीं हुआ और हमने रोज़ा भी इफ्तार कर लिया, तो ये क्या बनेगा फिर। और इससे आगे अमेरिका है, उनका 12 घंटे का फ़र्क है, जिस वक़्त हाजी निकल रहे होंगे अरफात की तरफ यानी उनका योम अरफा शुरू हो रहा होगा उस वक़्त उनकी शाम हो रही होगी, तो क्या वो रात को अमेरिका वाले रोज़ा रखेंगे। और अगर कहें नहीं उस रात से पहले या उस रात के बाद, उस रात से पहले भी योम अरफा नहीं है और उस रात के बाद भी योम अरफा नहीं है। एक मुल्क है तंजानिया और एक दो और ममालिक हैं, वो अरब से 1 दिन आगे होते हैं, उनका दिन अरब से 1 दिन आगे है, यानी जिस रोज हाजी अरफात के मैदान में जा रहे होते हैं उस रोज वो ईद मना रहे होते हैं, उस रोज उनकी ईद होती है, तो क्या वो अपने ईद वाले दिन रोजा रखेंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं है, वो लाजमी तौर पर उससे पहले ही रखेंगे, या फिर कह दिया जाए कि सारी उम्र और सारी जिंदगी वो इस सवाब से क्या है महरूम है, ऐसा नहीं। ये बातें तो आज है ना, ये सारे जो इहतमालात हैं वो तो आज हैं। आप 200 साल पीछे चले जाएं, उस वक़्त ये कम्युनिकेशन का निज़ाम नहीं था, ये टेलीफोनिक राबता वगैरह नहीं था, उस वक़्त मक्के के अंदर अरफा उस जुलहिज्जा का चांद निकला है या नहीं निकला, जुलकादा 29 का हुआ या 30 का हुआ, ये बातें मालूम नहीं होती थी। उस वक़्त बहरी जहाज़ों पे जाते थे, डाकें भी इसके साथ आती थी, रब्ता भी ऐसे ही होता था, तो वो तो कई कई हफ्ते लग जाते थे। तो वहाँ से जब मक्के की रोयत दूसरे ममालिक तक पहुँचती नहीं थी, हिंदुस्तान में भी नहीं पहुँचती थी, उस वक़्त के पूरी उम्मत यानी यूँ लगा लें ये 1400 साल हुए हैं तो 1200 साल तक दुनिया के दूसरे ममालिक में मुसलमान अरफा का रोज़ा रखते थे या नहीं। अगर कहा जाए नहीं तो ये बात नामाकूल है, और अगर कहा जाए यकीनन रखते थे तो वो किस एतबार से रखते थे, वो अपने अपने इलाके की रोयत के एतबार से। इस्लाम एक ऐसा आलमी मज़हब है, आलमगीर मज़हब है, जिसमें पूरी दुनिया के मुसलमान
आसानी से अमल कर सकते हैं, और वो आसानी से अमल उसी वक़्त मुमकिन है कि जब हर मुल्क हर इलाका अपनी अपनी रोयत के इतबार से अपने अपने चांद के इतबार से रोज़ा रखेंगे, और वो अपनी रोयत के इतबार से 9 ज़िलहिज्जा को रोज़ा रखना है, योम अरफा का रोज़ा 9 ज़िलहिज्जा को। अमेरिका के अंदर जो 9 ज़िलहिज्जा है वो उसका रोज़ा रखेंगे, चाहे उस वक़्त वो हाजी मैदान अरफात में हैं या नहीं। और हमारे यहाँ अपने 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखेंगे, और जो मुल्क उनसे आगे हैं उनका मतलब एक दिन आगे है तो वो अपने इतबार से रोज़ा रखेंगे। तो योम अरफा का रोज़ा दर हकीकत अपने अपने मुल्क की रोयत के इतबार से 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखना है। लेकिन अगर आप दूसरी रिवायत पर एक और हदीस पर अमल करें तो ये इश्काल वैसे ही ख़त्म। वो कैसे? काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु तिस्आ ज़िलहिज्जा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहिज्जा के पहले 9 दिनों के रोज़े रखते थे। जब तुम 9 दिनों के रोज़े रखोगे तो सवाल ही सारे ख़त्म हो जाएंगे, उसमें अरफा भी आ जाएगा, दूसरे भी आ जाएंगे, और उस हदीस पर अमल भी हो जाएगा। ये अबू दाऊद के अंदर रिवायत मौजूद है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु तिस्आ ज़िलहिज्जा, आप ज़िलहिज्जा के 9 दिनों के ही रोज़े रख लिया करते थे। अब दूसरा रोज़ा जो है योम अशूरा का, 10 मुहर्रम का रोज़ा। 10 मुहर्रम का रोज़ा मक्के में फ़र्ज़ था, मक्के में मुसलमानों पर एक रोज़ा फ़र्ज था पूरे साल में, वो था 10 मुहर्रम का। जब आप हिजरत करके मदीना तैयबा में आए तो पहले साल फिर भी 10 मुहर्रम का रोज़ा ही फ़र्ज था। उसके बाद दूसरे साल जब आप पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए तो उस वक़्त फिर ये 10 मुहर्रम का रोज़ा फ़र्ज़ियत से नफल की तरफ फेर दिया गया। अब 10 मुहर्रम का रोज़ा नफली था, सहाबा भी रखते थे, नबी अलैहिस्सलाम भी रखते थे। आपने देखा कि यहूदी भी रख रहे हैं, उनसे पूछा कि तुम क्यों रख रहे हो? उन्होंने कहा हादा यौमुन नज्जल्लाहु फी मूसा अलैहिस्सलाम मिन फिरौन, ये ऐसा दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से नजात दी थी, तो हम उसकी खुशी के तौर पर और शुक्राने के तौर पर 10 मुहर्रम का रोज़ा उस वक्त से रख रहे। मूसा अलैहिस्सलाम की इस खुशी का जब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सुना तो आपने इरशाद फरमाया कि हम तुमसे ज़्यादा मूसा अलैहिस्सलाम के भाई और हकदार हैं, क्यों? हमारे वो नबी और हम भी नबी, तो हम भाई भाई हो गए। और उनकी जो अकीदा तौहीद की तालीमात थी, हमारी भी अकीदा तौहीद की तालीमात बिल्कुल बराबर है, और तुम्हारे अंदर अकीदा तौहीद में नक्स आ चुका है, इस वजह से तुम्हारे से ज़्यादा हम मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा करीब हैं, इस वजह से हम भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे अल्लाह ताला के शुक्राने के तौर पर। आपने सहाबा से शुक्राने के तौर पर 10 मुहर्रम का रोज़ा रखने का कह दिया। अब फिर पैगंबर अलैहिस्सलाम पर यहूद व नसारा की मुखालफत का हुक्म आया, तो जब मुखालफत का हुक्म आया तो आपने इरशाद फरमाया कि लइन बकी तो इला काबिल लासुम मन्नता से, अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा बाकी रहा तो मैं 9 का रोज़ा रखूँगा। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से फ़ैसला ही ये था कि आइंदा मुहर्रम आने से पहले ही हुजूर अलैहिस्सलाम अपने मालिक हकीकी से जा मिले, आप इस दुनिया से रुख्सत हो गए, तो वो बात वाज़े नहीं हुई है। अब इस बारे में 3 मौक़िफ़ हैं। एक मौक़िफ़ ये है
कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने चूंकि फरमाया था आइंदा मैं साल जिंदा रहा तो नौ का रोज़ा रखूंगा, तो लिहाजा नौ का रोज़ा रखना है। एक है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने नौ का कहा था, रख तो नहीं सके ना, तो इस वजह से जो पीछे रखा जा रहा था बस वही रखेंगे, यानी सिर्फ दस का। और एक मौकफ ये है कि एक आप रख रहे थे ना और एक आपने इरादा किया हुआ था, तो हम दोनों बातों पर अमल कर लेते हैं, इरादे पर भी और आपकी गुज़श्ता अमल पर भी, तो लिहाजा नौ और दस दोनों का रखेंगे। ये तीन मौकफ पाए जाते हैं। एक मौकफ के सिर्फ नौ का, जो आपने इरादा कर लिया बस। एक मौकफ बाद उलमा का कि सिर्फ दस का, आपने इरादा किया उस पर अभी अमल हुआ ही नहीं, तो जब अमल नहीं हुआ तो हम उसी पर कायम रहेंगे जो पिछला था। और तीसरा है कि एक आपका अमल था और दूसरा आपका इरादा था, हम इरादे और अमल दोनों पर अमल कर लेंगे, तो लिहाजा नौ और दस दोनों का रखें। तो ये सिर्फ नौ का और नौ और दस का, इसके बारे में अक्सर उलमा की राय है, लेकिन हमारा रुझान जो है वो इस बात की तरफ है कि नौ और दस दोनों का रोज़ा रख लिया जाए। एहतियात इसी के अंदर मौजूद है कि आपने एक इरादा किया, उस इरादे पर भी अमल कर लिया जाए, और आपने एक अमल किया हुआ था उस पर भी अमल कर लिया जाए, तो दो दिनों के रोज़े रख लिए जाए। और ये मसला भी एक दूसरी रिवायत पर अगर अमल करें तो फिर भी ये उलझन ख़त्म हो सकती है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अफ़ज़लुस्सियामी बादा रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, रमज़ान के बाद 11 महीनों में सबसे ज़्यादा नफली रोज़े जो फजीलत वाले हैं वो मुहर्रम के फजीलत वाले। तो हम उस रिवायत को जेहन में रखते हुए इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखेंगे तो वो नौ का भी आ जाएगा, दस का भी आ जाएगा, आप फजीलतें समेटने के लिए और रोज़े भी रख लें, तो ये बात वैसे ही एहतियात के तौर पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसमें अगर उलमा का और फुकहा का इख्तिलाफ़ है तो अपना एक मौकफ कायम करके दूसरों पर ज़रा गलत किस्म के अल्फाज बोलना या सख्त किस्म के अल्फाज बोलना या उनके बारे में नसीबा कलिमात बोलना, ये बात दुरुस्त नहीं, क्योंकि सब ने हदीस को समझने की कोशिश की। एक ने इस अंदाज से समझी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा ना नौ का रखूंगा, तो बी तो नहीं बोला ना, यही कहना आइंदा मैं नौ का रोजा रखूंगा, तो लिहाजा बस नौ का। अगर दस का भी होता तो आप कहते मैं नौ का बी रखूंगा। अब वो जो नौ वाले मौकफ वाले हैं वो भी कहां से इस्तदलाल कर रहे हैं, हदीस से। और जो कह रहे हैं नौ और दस का, वो कहते हैं आपने दस की नफी तो नहीं की ना, कहा नौ का रोजा रखूंगा, दस तो है ही है वो शुक्राने के तौर पर, तो दस तो पहले ही शुक्राने का था, नौ का रोजा रखूंगा यानी मैं दोनों को मिलाकर उनकी मुखालफत कर दूंगा। तो ये भी उनका इस्तदलाल कहां से है, हदीस से है। और जो तीसरे हैं उन्होंने कहा हुजूर अली सलातु वसलाम ने चूंकि सारी जिंदगी रखा ही दस का है और पीछे मकसद भी मूसा अली सलातु वसलाम के शुक्राने के तौर पर कि उनको निजात मिली थी, तो इस वजह से हम, तो ये मौकफ जब हदीस की फहम की बुनियाद पर हो, हदीस की समझ की बुनियाद पर हो, तो उसमें दोनों बातें हो सकती, किसी को गलती लगी या कोई दुरुस्त हुआ। जिसको गलती लग गई लेकिन उसका जाविया दुरुस्त करने की कोशिश थी, गलती लग गई, हदीस में है कि मन इज्तहद अल-हाकिम फअसाबा फलहु अजरान व इन अख्ता फलहु अजरुन वाहिद। कोई बंदा हदीस को सच्चे दिल से समझता है, पूरी मेहनत करते थे या हर सोमवार, हर सोमवार, और ये मेरे दोस्त ईद मिलादुन्नबी कब मनाते हैं, साल बाद, एक फर्क। दूसरा फर्क, हुजूर अली सलाम ने तारीख को देखा है या आपने दिन देखा है, तारीख दिन देखा है,
और हमारे ये दोस्त क्या देखते हैं, 12 रबीउल अव्वल दिन देखते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कोई महीना देखा है? नहीं, ये महीना भी देखते हैं। इनका महीना भी है, तारीख भी है, सालाना भी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना महीना देखा, ना तारीख देखी और ना सालाना देखा, बल्कि क्या किया आपने? दिन देखा। अच्छा, उस दिन में आपने किया क्या? आपने रोजा रखा। और हमारे यहां उस दिन में सबसे ज्यादा खाने पीने की अशिया तकसीम होती है। ये तो हुजूर के बिल्कुल उल्ट मामला चल रहा है। हां, अगर किसी को हुजूर अली सलाम से इतनी मोहब्बत है वो हर सोमवार का रोजा रखे रखे। हम तो कहते हैं सोमवार और जुमेरात का रोजा रखो, लेकिन वो चूंकि भूखा रहना पड़ेगा और उसमें खाना पीना खत्म होगा, तो ये हमारे बस की बात है, साढ़े बारे च नहीं। तो ये देखिए, हुजूर अली सलाम ने रोजे के लिए मुख्तलिफ चीजें बताई हैं। विलादत भी एक है, नबूवत भी तो मिली है ना, कुरान का नुजूल भी तो हुआ है ना, और चौथी वजह भी सही मुस्लिम की रिवायत में है। आपने फरमाया सोमवार और जुमेरात को अल्लाह ताला के यहां नामा अमाल पेश होता है, और मैं पसंद करता हूं कि मेरा नामा अमाल जब अल्लाह ताला के पास पहुंचे तो मैं रोजे की हालत में हूं। ये अल्फाज आगे मौजूद है, गोया के फिर आपके रोजा रखने की एक बड़ी वजह साथ ये भी मिल गई, विलादत भी, नबूवत भी, नजूल वही भी, लेकिन एक बड़ी वजह आपने क्या बताई कि सोमवार और जुमेरात को नामा अमाल अल्लाह ताला के यहां पेश होते हैं और मैं पसंद करता हूं कि मेरा नामा अमाल किस हालत में जाए, मैं अल्लाह ताला के सामने रोजेदार हूं। तो एक बड़ी वजह रोजा है, अल्लाह ताला के यहां अमाल के पहुंचने की वजह है। बहरहाल ये तीन रोजों का इस हदीस के अंदर आया, ये तीनों नफली रोजे हैं, रखने चाहिए, इनका बहुत सवाब। दूसरी रिवायत इस बाब की, व अन अबी अय्यूब अल अंसारी की रज़ी अल्लाह ताला अन अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल मन साम रमज़ान सुम्मा अतबाहु सित्तम मिन शव्वाल काना कसियाम दहर। अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खादिम थे, मेहमान नवाज थे, मेज़बान थे, वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सामा रमज़ान, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, सुम्मा अतबाहु सित्तम मिन शव्वाल, फिर उसके बाद शव्वाल के भी छः रोज़े रखे, काना कसियाम दहरी, वो ऐसे ही हो जाएगा जैसे सारा साल रोजे रखे उसने, सारे साल के रोजे। रमजान के रोजे फर्ज हैं और शवाल के रोजे नफल हैं, तो नफली बाब के अंदर जिक्र किया गया। अब वो नफली जो रोजे हैं शवाल के, क्या फौरी रखना जरूरी है? बाद लोगों के जहन में है कि ईद के दूसरे दिन रोज़ा रखना ज़रूरी है, वहाँ से शुरू करना ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी नहीं है। ये पूरे महीने में 6 रोज़े मुकम्मल करने हैं, चाहे वो इकट्ठे रख लिए जाएं, चाहे वो वक्फे वक्फे से रख लिए जाएं, चाहे वो आखिरी 6 दिनों में रख लिए जाएं। जो शख्स भी रमज़ान के रोज़े रख के 6 रोज़े शव्वाल के रखेगा, सारे साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा। अगर कोई शख्स रमज़ान में बीमार हुआ या मुसाफिर हुआ या कोई मसला हुआ, जैसे औरतों के मामलात, वो रमज़ान के कुछ रोज़े उसके छूट गए, तो क्या पहले वो रोज़े मुकम्मल करके फिर शवाल के रखे जाएंगे, या वैसे ही रखे जा सकते हैं? रमज़ान की कदाई बाद में भी दी जा सकती है। तो जी हाँ, दुरुस्त मसला यही है कि शवाल के रोज़े शवाल में ही रखने हैं, जो रमज़ान के रह गए हैं आपके, बेहतर है जितनी जल्दी हो सके अदा कर दें,
लेकिन उनकी कजाई का टाइम अगले रमजान तक है। आप वो जो रहे हुए रोजे हैं वो शवाल के बाद भी रख सकते हैं। तो ये पूरे साल के रोजों का सवाब कैसे है? मन जा बिल हसना फलहू अशरु अमसालिहा, ये अल्लाह ताला का कानून है, जो एक नेकी करेगा अल्लाह ताला उसको 10 नेकियों का सवाब अता करें। तो जब 30 रोजे रमजान के रखे और 6 रोजे बाद में रखे तो ये कितने रोजे हो गए? 36। और 36 रोजों को जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जरब देंगे, तो ये कितने बन जाएंगे? 360। और साल में दिन कितने हैं अरबी एतबार से? 360। तो ये एक रोजे का सवाब 10 रोजों के बराबर और 30 रोजों का सवाब 300 रोजे के बराबर और 6 रोजों का सवाब 60 रोजों के बराबर। तो ये 360 रोजों का सवाब इस इंसान को इस एतबार से मिल जाएगा। लेकिन एक ग्रोह ऐसा है जो हमारे यहाँ कसरत से पाया जाता है लेकिन वो शायद बताते नहीं हैं, अब ज़्यादा अच्छी बात है, उनकी फिका के इतिबार से ये रोज़े रखना मकरू अमल है, यानी गुनाह का काम है। तो ऐसा नहीं है, हकीकत ये है कि शवाल के रोज़े रखना सवाब का काम है और बहुत ही सवाब का काम है। लेकिन एक फिका के इतबार से शवाल के रोज़े रखना क्या है? मकरू अमल है, गुनाह का काम है, ऐसा नहीं है। तीसरी रिवायत, वान अबी सईदिन अल-खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جو شخص ایک روزہ رکھے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ یہ ایک بہت وسیع جملہ ہے، اللہ کے راستے میں یعنی کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، نیکی کو پھیلانے کے لیے، نیکی سیکھنے کے لیے، نیکی سکھانے کے لیے، یہ سب فی سبیل اللہ، دین سیکھنے کے لیے نکلنا بھی فی سبیل اللہ، دین سکھانے کے لیے نکلنا بھی فی سبیل اللہ، جہاد کرنے کے لیے نکلنا بھی فی سبیل اللہ۔ تو جو شخص اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اور وہ ایک دن کا روزہ رکھ لیتا ہے اور وہ قبول ہو جائے، اخلاص ہو اس میں، باعد اللہ بذالک الیوم، اللہ تعالیٰ اس دن کے بدلے میں، اس روزے کے بدلے میں اس شخص کو دور کر دے گا، ان وجہہ النار 70 خریفا، اس کے چہرے سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو 70 خزائیں دور کر دے گا۔ خریف جو ہے یہ خزاں کے موسم کو کہتے ہیں، صیف گرمی کو کہتے ہیں، شتا سردی کو کہتے ہیں، خریف خزاں کو کہتے ہیں، اور ربیع، ربیع الاول، بہار کو ربیع کہتے ہیں۔ تو یہ 70 خزائیں اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کو دور کر دیں گے، مطلب ایک جز بول کر یہاں کل مراد ہے۔ ایک خزاں ایک سال میں کتنی مرتبہ آئے گی؟ ایک مرتبہ۔ تو 70 خزائیں کتنے سالوں میں اکٹھی ہوں گی؟ 70 سالوں میں۔ تو اس وجہ سے اس کا ترجمہ 70 سال بھی کر لیتے ہیں اور 70 خزائیں بھی۔ تو جس نے اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھا اور وہ قبول ہو گیا، اخلاص اس میں موجود ہوا، ریاکاری نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ کی قربت کا ارادہ ہوا، ایک روزہ رکھا
कबूल हो गया, अल्लाह ताला इसके चेहरे से जहन्नम की आग को इतना दूर कर देगा कि एक घुड़सवार अपने घोड़े पर बैठे और उसको दौड़ाना शुरू कर दे और 70 साल तक एक लम्हे के लिए भी घोड़ा रुके नहीं, 70 साल तक घोड़ा एक लम्हे के लिए भी रुके नहीं, 70 साल तक जितना फासला तय करेगा इसके एक रोदे की वजह से जहन्नम इससे इतनी दूर हो चुकी होगी। और अगर दो रोदे रखे तो डबल 70 साल यानी 140 साल जितने रोदे रखते रहेंगे। तो ये नफली रोज़ों की फजीलत के बारे में बाब है। अल्लाह ताला हमें कसरत के साथ नफली रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।